इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज 5 जुलाई 2019 बड़ी खबर आ रही है बजट 2019 को लेकर। आज महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है और बजट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, बजट 2019 की अहम घोषणाएं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज संसद में पेश हुआ है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे से संसद में बजट पेश किया। इस बार बजट पेश करने को लेकर चली आ रही पुरानी परंपरा से इतर बजट की कॉपी ब्रीफकेस के बजाय लाल रंग के बैग में रखी गई। वही बजट को इस बार बही खाता नाम दिया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि ये हमारी भारतीय परंपरा में है। लाल रंग के बैग में रखी बजट की कॉपी पश्चिमी विचारधारा से हमारी मुक्ति को दर्शाता है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रालय के बाहर निकलकर मीडिया को बजट की कॉपी रखा बैग दिखाया और इस बैग पर अशोक चिन्ह है, साथ ही पीले रंग के फीते से पूरा बैग लिपटा हुआ है। इस बार के बजट में क्या रही बड़ी घोषणाएं, चलिए हम आपको बताते हैं। 7 करोड़ घरों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक गांव के हर परिवार को बिजली मुहैया कराई जाएगी। नंबर 2, 2022 तक गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे और 2021 तक 1.95 करोड़ घर देने की योजना बनाई गई है। नंबर 3, 3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन देने का लक्ष्य रखा गया है। 59 मिनट में करीब 1 करोड़ तक के लोन को मंजूरी मिल जाएगी। नंबर 4, MSME के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नंबर 5, बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश होगा। नंबर 6, बिजली टैरिफ में सुधार की योजना बनेगी। वन नेशन वन ग्रिड योजना पर काम चलेगा। नंबर 7, छोटे और लघु उद्योगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनेगा। बिजली टैरिफ में सुधार की योजना बनेगी। नंबर 8, रेलवे में PPP मॉडल पर जोर रहेगा। बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए करीब 50,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। नंबर 9, एक आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा। रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। नंबर 10, देश के अंदर जलमार्गों पर विकास करना भी जरूरी है और गंगा नदी पर परिवहन बढ़ाने की कोशिश रहेगी। नंबर 11, हमारा उद्देश्य देश के लिए मजबूत नागरिक बनाना है। नंबर 12, देश में करीब 210 मेट्रो रूट पर परिचालन शुरू और इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 13, देश में लाइसेंस राज के दिन अब खत्म हो गए, मेक इन इंडिया से कारोबार बढ़ रहा है। नंबर 14, लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर रहेगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।